नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यजत और फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल यजत वत्सल ब्लॉगर पे। भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको महाकाल के दरबार उज्जैन में लेके जा रहा हूँ। तो भाई महाकाल के दरबार जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिखता तो बनता है। तो भाई मैं बहुत पहले अपनी i10 के साथ गया हुआ था यहाँ पे और मेरे को बहुत मज़ा आया था और यही मज़ा मैं आज आपको इस वीडियो में दिलाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस ट्रिप को। तो भाई मैं हूँ अभी भोपाल सिटी में। यहाँ से जब हम सीधा जाएंगे तो बैरागढ़ मार्केट शुरू हो जाएगा। अभी राइट में है हलालपुर बस स्टैंड। सो भाई ये है बैरागढ़ मार्केट। ये भोपाल की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, शादी वगैरह के कपड़े मिलते हैं और यहाँ पे कुछ अलग कपड़े भी मिलते हैं। आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन भाई अभी हम फिलहाल उज्जैन जा रहे हैं तो आपको किसी व्लॉग में यहाँ पे घुमाऊंगा मैं। तो भाई अभी फिलहाल उज्जैन की ओर चलते हैं। तो भाई हम यहाँ से भोपाल सिटी को एग्जिट कर जाते हैं। अब चलते हैं उज्जैन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ जाता है पहला। तो यार आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे बूंदाबांदी चालू हुई है। अगर तेज बारिश हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। तो भाई देखते हैं कैसा मौसम मिलता है आगे। तो भाई यहाँ पे आपका आ जाता है दूसरा टोल। और भाई मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो भाई आप फास्टैग डलवा लो, वरना ये आपसे डबल डबल पैसे लेते हैं जो भाई कम लोग ही दे पाते हैं। तो भाई बेटा जी ये आप फास्टैग अपनी गाड़ी में डलवा लें। और यहाँ पे आ जाता है आष्टा सिटी का मोड़। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो आष्टा सिटी में आप घुस जाओगे। हमें सीधा जाना है। तो यार आप देख सकते हो इतना मनोरम दृश्य प्रतीत होने लगा इस तेज बारिश से और इतने अच्छे मौसम से। तो यार इस शानदार व्यू के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है भाई। हम डोडी से खाना खा के निकल रहे हैं। यार आप देख सकते हो इतने अच्छे बारिश के मौसम ने 2 बजे ही शाम कर दी है। अभी 2 बज रहे हैं यार, फिर भी इतनी जल्दी शाम होने लगी है। तो भाई इस अच्छे से व्यू के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है भाई। अब देखते हैं उज्जैन में कैसा मौसम मिलता है या और आगे कैसा रास्ता मिलता है। और भाई यहाँ पे आपका आ जाता है तीसरा टोल। अभी बारिश भी धीरे धीरे हो रही है, हल्की हल्की सी हो रही है। अब आगे क्या पता और भी अच्छी तेज़ बारिश मिल जाए। तो चलो भाई देखते हैं। यार अगर आप उज्जैन या इंदौर किस बारिश के टाइम में जा रहे हो तो यार आपको इसी रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा। और यार आपको इतने अच्छे व्यूज मिलने वाले हैं यहाँ पे बारिश के टाइम, तो यार आपको मज़ा ही आएगा। तो यार इस बोट के हिसाब से उज्जैन 49 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो भाई अब हम जहाँ तक ये है 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। तो चलो भाई लेके चलते हैं आपको उज्जैन। तो भाई जब आप सीधा जाते हो तब भाई 3 रास्ते मुड़ते हैं, जो जिसमें से लेफ्ट को इंदौर जाता है, सीधा देवास जाता है और राइट को उज्जैन जाता है। तो भाई हमें उज्जैन जाना था इसलिए मैंने राइट किया। अब भाई चलते हैं हम।
तो यार हमें बीच में मैप की भी ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने एक बार मैप खोल के देखा और ये कह रहा है कि हम 4:20 तक उज्जैन पहुंच जाएंगे, और हमारी गाड़ी के घड़ी के हिसाब से अभी टाइम हो रहा है 3:42। आप देख सकते हो यहाँ पे 3:42 दिखा रहा है और यहाँ पे 4:19 हमारा अराइवल दिखा रहा है। तो चलते हैं उज्जैन की। और भाई जब आप राइट लेके थोड़ा सा सीधा जाते हो तब धीरे धीरे आपकी सिंगल सड़क भी चालू हो जाएगी और आपको थोड़े से गांव वाले रास्ते देखने को मिलेंगे। बारिश भाई अभी बारिश का ही हो रहा है लेकिन अभी बूंदाबांदी नहीं होती है, तो चलो भाई आगे देखते हैं। तो यार जब आप थोड़ा सा सीधा जाओगे तब आपको एक ये खाली टोल मिलेगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो यार हम उज्जैन के अभी आउटर में हैं, अब बस 5-10 मिनट ड्राइविंग करने के बाद हम उज्जैन में पहुंच जाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं उज्जैन की तरफ। सो फाइनली 5-10 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम फाइनली उज्जैन सिटी में एंटर कर गए और मैंने अपना होटल जयसिंहपुरा मार्ग पे बुक किया था। अगर आपको भोपाल या इंदौर हाईवे पास चाहिए तो आप बेटर अपना होटल जयसिंहपुरा मार्ग पर बुक कर लें। यहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी 5-6 किलोमीटर की रहती है। यहाँ पे आपको अच्छे बड़े होटल मिल जाते हैं और इन पर आपको पार्किंग की ऑप्शन मिल जाती है। और मेरे होटल का नाम होटल मित्तल एवेन्यू एंड पैराडाइज था, इस पर मैं बहुत रुका हूँ। लेकिन भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस होटल में ना रुके, क्योंकि मेरा इस बार इस होटल के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया। तो जयसिंहपुरा मार्ग में और भी ऑप्शन है तो आप बेटर उन पे रुक जाए। और बात करूँ मेरे को यहाँ पे कितने घंटे लगे थे पहुँचते हुए, तो मेरे को यहाँ पे पहुँचने में 4 घंटे लग गए थे, और क्योंकि भाई हमने बीच पे खाना भी खाया था तो इस चक्कर में हमें 4 घंटे लग गए थे। तो बस इस ब्लॉग पे इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो भाई इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग्स लाता रहूँगा और नई नई जगह जाता रहूँगा। तो चलिए भाई फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में।